कि दिलवा में सपना, कि दिलवा में सपना, अरे हजार काहे होला, कि प्यार कवन चीज हटे प्यार काहे होला। कैसे हम जो है तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इस तरीके की अश्लीलता परोसकर आखिर दर्शकों को देना क्या चाहते हैं? जी सर, मैं बिल्कुल बहिष्कार करूंगा। मैंने बखूबी लाइव आके माफी मांगी थी। अगर आप, मैं आपकी नजर में गलत हूँ, आप देख रहे हैं क्या सवाल हो रहा है मेरे से, तो मैं चाहूंगा कि आप मेरी लाज बचाएं। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज हमारे साथ भोजपुरी सिंगिंग स्टार, एक एक्टर, सिगरौली की कला को प्रदर्शित करने वाले राहुल दुबे जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका द खबरदार न्यूज पर। जी अनुपम अनूप जी, और द खबरदार न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस लायक समझने के लिए, अपने डिबेट में शामिल करने के लिए। मैं द खबरदार न्यूज के सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करते हुए सादर प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले हम आपके इस सफ़र की शुरुआत के बारे में जानना चाहेंगे, आखिर कब शुरू किया था ये सफ़र? जी अनुपम अनूप जी, जहाँ शुरुआत की बात की जाए तो मैंने सन 2013 से 14 के बीच में अपने सिंगिंग कैरियर की, अपने सिंगिंग लाइफ की शुरुआत की थी, और एज अ परफॉर्मर, एज अ एल्बम आर्टिस्ट मैंने शुरुआत किया था, और आज भी मैं एल्बम लेवल पर काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। और बस शुरुआत हो गई, अचानक से हुई, मैंने किसी को देख के नहीं सीखा है, खुद से इच्छा आई और मैंने खुद से करना चाहा, और आज इस काबिल हूँ कि आपके सामने बैठा हूँ। बस बिल्कुल। और आपने सच्चा देशभक्त एक शॉर्ट फिल्म की थी, उसमें आपने विलेन का रोल किया हुआ था। जी, जी। तो आने वाले फिल्मों में, आने वाले समय में भोजपुरी या बिंध फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें तो क्या रोल आप निभा सकते हैं? देखिए सर, एक कलाकार वही होता है जो हर तरीके के किरदार को निभा सके, और जहाँ तक बात रही सच्चा देशभक्त, तो मेरे कैरियर की सबसे बेस्ट मूवी रही है, शॉर्ट मूवी रही है, जो कि 15 अगस्त के शुभ अवसर पर रिलीज हुई थी। और उस फिल्म के मुख्य किरदार में हमारे बघेलखंड के सुपरस्टार अविनाश तिवारी जी और सुधीर पांडे जी थे, और मुझे रज्जाक खान का रोल करके बहुत अच्छा लगा और दर्शकों का बहुत प्यार मिला। रीवा एआईजी श्री सूर्यकांत शर्मा जी, जिनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता है, उन्होंने बहुत तारीफ़ की और बघेलखंड के बहुत सारे लोगों ने उस रोल की बहुत तारीफ़ की, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करूंगा उन सभी दर्शकों का, और ख़ासकर अविनाश तिवारी जी का और अविनाश तिवारी एंड टीम का, जिन्होंने मुझे उस लायक समझा। और रही बात भोजपुरी फिल्मों में मेरे आने की, तो मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की है, और हर किसी की चाह होती है बड़े पर्दे पे आना, और मेरी भी चाह है, अग्रसर हूँ मैं अपने कार्य को लेके, और मैं चाहता हूँ कि लाइफ में बड़ा काम करूँ। जी, और राहुल दुबे जी एक ऐसे सिंगर एक्टर हैं कि भोजपुरी की भाषा में अगर कहें तो जब मंच पे जाते हैं, जब स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो गर्दा उड़ा देते हैं, आखिर इस बारे में ये हुनर और ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? प्रेरणा देखिए सर, जहाँ तक बात है, मैं अगर मैं अपनी बात कहूँ तो इफ़ यू डोंट माइंड कि मैं इस पूरे दुनिया में किसी का फ़ैन नहीं हूँ, मैं खुद का फ़ैन हूँ। जो मैं करता हूँ खुद से करता हूँ, और जो जो नई नई चीज़ें मैं स्टेज पे लाता हूँ खुद से लाता हूँ। और रही बात भोजपुरी गानों की, तो मैं खेसारी जी के सिवा किसी को सुनना पसंद नहीं करता हूँ, और हिंदी गाने तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आते हैं, जबकि मैं हिंदी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों भोजपुरी से एक ऐसा लगाव है कि मतलब कुछ कह नहीं सकते। और मैं खेसारी जी को ज़्यादा सुनता हूँ, हालांकि उनको कॉपी नहीं करता हूँ, कुछ लोग मुझे खेसारी के नाम से भी कहते हैं, जैसे कि आज आप मेरे शो में खुद थे, तो सुधीर भाई मेरे हैं और मुझे वो खेसारी के नाम से ही बुलाते हैं स्टेज पर, तो बड़ा अच्छा लगता है एक बड़े सेलिब्रिटी के साथ मुझे जोड़ के देखना, तो मैं उन्हीं को सुन के उन्हीं की चीज़ों को प्रस्तुत करता हूं। और जो रही बात एक्टिंग की, स्टेज कॉपरेशन की, जनता के बीच घुसने की, पब्लिक के दिल में जाने की, तो मैं खुद से करता हूं, वो मैं किसी का कॉपी नहीं करता हूं। और इसके साथ ही साथ लगातार अगर हम देखें तो मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि आप भोजपुरी करते हैं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जी। तो शायद आपका जन्म स्थान छपरा बिहार या फिर बिहार की गलियों में होगा जी। और अभी कुछ समय पहले मुझे पता चला कि आप सिगरौली से हैं। सिगरौली स्थान की अगर बात करते हैं तो एक ऐसा ही स्थान है जो छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से जुड़ता है, साथ ही अवधी, भोजपुरी, बघेली, खड़ी हिंदी
सभी भाषाओं का मेल जोल यहाँ पे बड़े ही बेहतर तरीके से दिखाई देता है, जो आम जनजीवन की भाषा में झलकता है। तो अपने जन्म स्थान और अपने यहाँ की विशेषताओं के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए अनुपम जी, बात ऐसी है कि हमारी विशेषताओं के बारे में, अब वही बात है कि खुद के मुँह मियाँ मिठू मज़ा नहीं आता है। विशेषताएँ हमारी बहुत सारी हैं। सिंगरौली ऊर्जा धानी के नाम से जानी जाती है, और अभी हमारा एक कार्यक्रम था सिंगरौली एक शाम ऊर्जा धानी के नाम, आवा हंसा जाए नवा साल मा। और रही बात हमारे हिंदी बाहुल्य क्षेत्र की और भोजपुरी की, तो जहाँ तक सिंगरौली को मैं मानता हूँ, तो मैं अपनी जानकारी तक जहाँ मानता हूँ, मैं किसी की बात को नहीं रख रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है अपने सोच में, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भोजपुरी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ के लोग, यहाँ के जो भी श्रोता है हमारे, ज़्यादातर भोजपुरी को ही पसंद करते हैं। शायद यही कारण हो सकता है मेरा भोजपुरी में आने का, कि मैंने एक भोजपुरी बाहुल्य क्षेत्र में जन्म लिया और शायद शुरू से ही भोजपुरी कलाकारों को देखा, भोजपुरी गानों को सुना, इसलिए मैं भोजपुरी संगीत में और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आ गया और बड़े पर्दे पर भी आना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अपने सिंगरौली का नाम जैसे बघेलखंड के सुपरस्टार अविनाश तिवारी जी ने रोशन किया है, और यहाँ से अभी एक हमारी बहन क्रिकेटर हुई है नुजहत परवीन जी, तो मैं भी चाहता हूँ कि कला के क्षेत्र में मैं अपने सिंगरौली का नाम बहुत ऊंचे स्तर तक लेके जा सकूँ, और इसीलिए मैंने अपने करियर की शुरुआत किया है जी। और इसके साथ ही साथ आपके हम शैक्षणिक जीवन के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा बताएं आप। देखिए पारिवारिक स्थिति जो हमारी है, वो मैं कह सकता हूँ न ज़्यादा बेहतर है और ना ही ज़्यादा ख़राब है। और रही बात मेरे माता पिता के मुझे सपोर्ट करने की, तो मेरी फैमिली ने बखूबी मुझे सपोर्ट किया है और मेरी भावनाओं को, मेरी कला को समझते हैं मेरे फैमिली वाले। और ख़ासकर मैं बात करूं तो मेरे माता पिता मेरे लिए गुरु हैं और उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और साथ साथ मेरी जनता ने, मेरे घर परिवार के अगल बगल वाले लोगों ने मुझे प्रेरणा दी है और बहुत सपोर्ट किया है मुझे। और कहीं ना कहीं एक परिवार का जो सपोर्ट होता है कलाकार के लिए, जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। और आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, इसके लिए आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। बहुत सारे देश भर में कलाकार हैं जिन्हें ये सौभाग्य नहीं मिल पाता है। और हम अपने चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपके पुत्र पुत्रियाँ कलाकार हैं तो उन्हें सपोर्ट करिए। जी बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूँगा, जो भी मुझे दर्शक देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग माता पिता भी होंगे, कुछ बच्चे भी होंगे, मैं सभी माता पिता से, देखिए अगर अपनी बात बोलूँ और अपनी दिली इच्छा बोलूँ, तो सभी से मेरा विनम्र आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों को वो जो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उनको उस फील्ड में जाने की अनुमति दें और उन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर आपके बच्चे कुछ नहीं है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। तो आप सब कहीं ना कहीं, आप पेरेंट्स, आप माता पिता कहीं ना कहीं गुरु का किरदार निभा सकते हैं अपने बच्चों को उस फील्ड में छोड़ के जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं जी। और इसके साथ ही साथ जब स्टेज शो शुरू करते हैं तो हर स्टेज शोअर का जो है तो एक बिगिनिंग स्टाइल होता है दर्शकों को अपनी तरफ खींचने का जी। हम आपका एज अ टीच आपकी लैंग्वेज में ही वो सुनना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। जी देखिए, अब आता हूँ मैं उसी में। देखिए भैया, बात ऐसा बा अनुपम जी कि हमारे को गाना बा जो बड़ा सुपर हिट रहे, कोनो भी स्टेज पे हम जाइले तो सबसे पहले वही गाना गाइले, ऐसे कि वो गाना के बड़ा प्यार दुलार मिलल बा हमारे जनता के। और वो गाना बा कि एगो पत्नी अपना पति से फ़ोन कैलस, अ पति ही या विदेश, तो कहत या ए हो गाना का हो, तो कहत या का जी कहीं घुमा दी, नवमी नवरात्र के समय बा, वैसहू साल भर बेलना मरवाई ले। तो पति कहता ठीक बा, कहाँ जाए के बाद तनी विचार तू व्यक्त करा। तो पत्नी कह दिया, वो दो लाइन में गुनगुनाना चाहूँगा अपने दर्शकों के सामने, कि जनी करी विचार चलिया रा बाजार, कि तनी बगली में धरली रुपया, कि हम के आयरन देवी घुमा ही दी, अये ननदो के भैया। ननदो मतलब उनकी बहन के भाई, उनके पति जी। तो इस भाव में वो कहती है कि जनी करी विचार कि चली आरा बाजार, कि तनी बगली में धर ली रुपया, कि हमके आयरन देवी घुमा दी ए ननदों के भैया। ये मेरा बहुत ही बेस्ट गाना है और जनता का खूब प्यार आशीर्वाद मिलता है, और मैं शुरुआत भी इसी गाने से करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना। अब तक लगभग कितने स्टेज शोज कर चुके हैं जी? मैंने अगर ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो मैंने पूरे भारत में तो शो नहीं किया है, लेकिन बिहार, यूपी, बनारस, गोंडा, अयोध्या, फैजाबाद, सिंगरौली, सीधी, रीवा,
वगैरह वगैरह झारखंड, मैंने कुल मिला के आप मान के रखिए कि मैंने जब से अपने करियर की शुरुआत की है तो ज़्यादा तो नहीं लेकिन 500 से 600 मैंने स्टेज शो, छोटे बड़े स्टेज शो मैंने किए हैं शुरुआती दौर से लेकर आज तक। कुल मिलाकर के अगर बात करें तो भोजपुरी बाहुल्य क्षेत्रों में आपके स्टेज शोज ज़्यादा हुए हैं जी। और शायद आपकी इसी अदा के दर्शक दीवाने भी हैं जी। जो आपने अभी हमारे दर्शकों को सुनाया, एक बार फिर से हम कुछ संगीत की तान आपके द्वारा छेड़ देनी चाहिए कुछ ऐसा जी। बिल्कुल, मैं दो लाइन सुनाना चाहूँगा। मैंने मैं क्या बोलूँ, मैं किसी के फीलिंग्स में आके एक गाना गाया था कि अरे जिंदगी में अइलू हमरा कि कइलू एहसान हो, कि जिंदगी में अइलू हमरा और कइलू एहसान हो, कि गजब के बाटे सोना। एगो लवर अपना प्रेमिका से कहता कि अरे गजब के बाटे सोना और मीठी मुस्कान हो, और गजब के बाटे सोना। और मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि गला पूरा लग गया है आज के कार्यक्रम में, और जिसमें हमारे खबरदार न्यूज़ के संपादक हमारे माननीय अनुपम अनूप जी भी मौजूद थे, तो ये समझ सकते हैं मेरी तकलीफ़ को। और मैं दर्शकों को चाहता हूँ कि आप सब मुझे YouTube पे भी सुन सकते हैं, और मेरे नाम से सर्च करके सिंगर राहुल दुबे, राहुल दुबे आप कुछ भी सर्च करेंगे मैं मिलूँगा। और बस आप सबका प्यार चाहता हूँ, और आप जैसे भाई का साथ हो तो बस। और कहीं ना कहीं ये आपका दर्शकों के प्रति स्नेह ही था जी, कि इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी आज आपने दर्शकों के लिए जो तो एक तरीके से अपना जिगरा लुटा दिया, अगर भोजपुरी के शब्दों में कहें जी। एक कला को लेकर के, और साथ ही साथ आप हमारे साथ हैं ये भी हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात कही जा सकती है जी। लेकिन फिर भी अभी जी नहीं भर रहा है, शायद हमारे दर्शकों को भी कुछ और सुनने का मन कर रहा होगा आपसे। बिल्कुल बिल्कुल अनुपम जी, मैं सुनाऊंगा। और जहां तक तबीयत की बात करूं तो मेरा स्वास्थ्य बहुत ख़राब था, आप तो खुद जानते हैं। और लेकिन कहा गया ना जी, हम भोजपुरिया मर्द हैं जी। जो एक बार ठान लेते हैं तो ठान लेते हैं, और ये वही जनता है जिन्होंने हमें इस कुर्सी पर बिठाया है, आपके सामने बिठाया, इनको खुश नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। तो इनके लिए तो चली भी जाए तो क्या दिक्कत है, कितने राहुल पैदा होंगे, एक राहुल गया भी तो क्या बात है ना। तो बस मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उस जनता का जो हमारा उत्साह वर्धन करती है, जिसको देखते हैं ना आग लग जाती है तन बदन में, और लगता है कि इनके लिए क्या कर दूँ। और आप बिल्कुल झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरी अदा है, मैं समझता हूँ दर्शकों को कि क्या चाहिए और दर्शक मुझसे क्या चाहते हैं, बखूबी मैं जानता हूँ जी। और बस यही चाहूँगा अनुपम जी। और रही बात गाने की, तो एक गाना सुनाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मेरा गाना नहीं है लेकिन एक विशाल गगन जी का है, भोजपुरी के बहुत बड़े सुपरस्टार का, उनका गाना मैं गाता हूँ जब भी तकलीफ़ में होता हूँ। और दो लाइन में सुनाना चाहता हूँ, उसी के साथ शायद मैं विदा भी लूँ अपने दर्शकों से। दिलवा में सपना हो गोरिया हो है, कि दिलवा में सपना, कि दिलवा में सपना, अरे हजार काहे होला, कि प्यार कवन चीज हटे प्यार काहे होला, अब प्यार कवन चीज हटे प्यार काहे होला, कि काहे ना सहाला यारी, अब प्यार के जुदाई ये घे दिल से कटे ना ही दिनवा रतिया, कि कटे ला जिनगिया मुश्किल से। जब कोई प्रेमिका बिछड़ जाता है तो कहता है वो कि काहे ना सहाला यारी, कि प्यार के जुदाई ये दिल से कि कटे ना ही दिनवा रतिया, कि कटे ला जिंदगिया मुश्किल से, कि मिले खाती दिल हो गोरिया हो है, कि मिले खाती दिल बे करारी काहे होला, अब प्यार कवन चीज हटे प्यार
काहे होला, अब प्यारी कवन चीज हटे प्यार काहे होला। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही उम्दा। तीन छोटे छोटे प्रश्न एक एक लाइन के मैं पूछना चाहूँगा। आप बड़े पर्दे पर आने के लिए क्या कर रहे हैं? मैं बड़े पर्दे पर आने के लिए एक अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और जो भी मेरे भोजपुरी के बड़े डायरेक्टर, बड़े प्रोड्यूसर या बड़े हीरो हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, अगर वो उनसे उनके तक मेरा ये लाइव सेशन पहुँचे या मेरा वीडियो पहुँचे, तो मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि मैं ब्रेक चाहता हूँ और मैं अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, अपने सिंगरौली के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। दूसरा सवाल जो अक्सर पूछा जाता है भोजपुरी आर्टिस्ट से कि भोजपुरी में अश्लीलता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और कहीं ना कहीं परोसी जा रही है, तो इस चीज़ को लेकर के आप एक भोजपुरी कलाकार होने के नाते क्या सोचते हैं और क्या भविष्य है इसका, और किस तरह से कैसे हम जो है तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इस तरीके की अश्लीलता परोस कर आखिर दर्शकों को देना क्या चाहते हैं? देखिए अनुपम जी, ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका हल शायद मैं खुद नहीं हूँ और इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। और रही बात अश्लीलता की, तो देखिए हमारे भोजपुरी में क्या है कि डबल मीनिंग गाया जाता है, तो मैं ये मानता हूँ कि आपकी सोच जहाँ तक जाए आप वहाँ तक सोचिए। अगर आप उसका बखूबी मतलब समझना चाहते हैं तो आप उस राइटर से बात कीजिए, या तो फिर उसका मतलब आप पॉजिटिव समझिए। तो कहीं ना कहीं मैं दर्शकों को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ कि मेरे इंडस्ट्री के राइटरों को डबल मीनिंग नहीं लिखना चाहिए और जो भी सिंगर्स हैं उनको डबल मीनिंग नहीं गाना चाहिए। और सबसे बड़ा आग्रह है जो स्टूडियो रिकॉर्ड करते हैं और जो राइटर लिखते हैं, अगर वो लिख के ना दें तो कोई सिंगर गाएगा नहीं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि राहुल दुबे आने वाले समय में ऐसे गानों का बहिष्कार करेंगे? जी सर, मैं बिल्कुल बहिष्कार करूँगा। मैंने एक गलती से गाना गा दिया था, उस टाइम गाना चला था कि पूजा बदल गई ले, और मैंने उसी बहती गंगा में जो है हाथ धो लिया था, और मैंने भी एक गाना गा दिया था कि पूजवा हमके छोड़ के काहे दूसरा पर चल गई ले। मैंने बखूबी लाइव आके माफ़ी मांगी थी, 150, 200, 500 जितने भी लोगों ने देखा था, लेकिन देखा था, मेरे प्रोफाइल पे आज भी वो वीडियो है। मैंने बखूबी जो है माफ़ी मांगी थी अपने जनता से, और मैंने कान पकड़ा था, जिसको ट्रस्ट ना हो मेरी प्रोफाइल पे जाके देख सकते हैं वीडियो। मैंने उस गाने का बहिष्कार किया था और मैंने उसी दिन ठाना था कि मैं डबल मीनिंग गाने नहीं गाऊंगा, और अगर गाऊंगा भी तो बखूबी उसके मतलब के साथ गाऊंगा और मैं किसी के नाम के ऊपर गाना नहीं गाऊंगा। ये बहुत ही बड़ी बात आपने कही है, और मुझे लगता है कि छोटे से छोटा कलाकार हो या बड़े से बड़ा कलाकार हो, उसे आपकी इन बातों से सीख लेनी चाहिए। भले ही आपका स्तर जो कुछ भी हो वो मायने नहीं रखता है, लेकिन जो आपने बात कही हो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और उनसे जुड़े सिंगर्स और लिरिक्स लिखने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा होनी चाहिए, एक सीख होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ अपनी तरफ। बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी भोजपुरी श्रोताओं को आग्रह करता हूँ कि आप सब डबल मीनिंग गाने सुनते जरूर हैं, लेकिन उसका मतलब गलत अगर समझेंगे तो देखिए गलत ही लगेगा। अगर आप मैं आपकी नज़र में गलत हूँ, अगर आप मेरे बारे में गलत नज़रिए से देखते हैं, तो मैं आपको गलत ही लगूंगा, चाहे मैं जितना अच्छा काम कर दूं। आप मेरी बुराई ही करेंगे, आप मुझे गलत ही मानेंगे। तो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आप अपने डबल मीनिंग सोच को बंद कीजिए, और सबसे बड़ी बात अपने भोजपुरी के राइटरों को, जो भी मेरे गुरुतुल्य राइटर हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं कि आप गलत हैं, जितने भी राइटर हैं मेरे और जितने भी सिंगर हैं, मैं यही कहूंगा कि भोजपुरी आज इस लेवल से इस लेवल पे है, और मैं आप देख रहे हैं क्या सवाल हो रहा है मेरे से, तो मैं चाहूंगा कि आप मेरी लाज बचाएं और भोजपुरी की लाज बचाएं, भोजपुरी की लाज बचाएं, पूरे भोजपुरी समाज की लाज बचाएं। क्योंकि आपने अभी बोला कि मैं एक हिंदी बाहुल्य क्षेत्र से भोजपुरी कैसे पसंद कर लिया, तो भोजपुरी की चाय ही होगी। मैंने किसी को सुना होगा, किसी अच्छे सिंगर को सुना होगा, तो शायद मैंने भोजपुरी स्टार्ट किया ना। तो मैं यही चाहता हूँ कि जिस हिसाब से लोग हम लोग को देखते हैं, आप वो मान सम्मान और भोजपुरी का अभिमान बचा के रखें। जो एक उम्मीद होती है, जो एक आशा होती है कि परिवार के साथ बैठ करके फिल्में और गाने देखे जा सकें, तो इसको कायम रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं बात करूँ मैं तो, ठीक है मैं कुछ बोलूँगा नहीं, काफ़ी लोग को बुरा लग जाएगा, मैं अपने इंडस्ट्री के, मैं जिस इंडस्ट्री को पसंद करता हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री के, सभी गुरुतुल्य लोगों से, जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं आग्रह करूँगा कि आप कितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हों, आप सब गंदे गानों का बहिष्कार करें और गंदी
चीज़ों का बहिष्कार करें, और आज भोजपुरी इतने ऊपर है कि मैं एक भोजपुरी कलाकार होके, स्टार नहीं बोलूँगा खुद को, छोटा सा कलाकार होके इतने बड़े चैनल पे बैठा हूँ, तो भोजपुरी कहाँ से कहाँ होगी आप समझ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हम दर्शकों से भी, अपने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है जब दर्शक सुनते हैं तब गायक गाता है, तब म्यूजिक डायरेक्टर कंपोज करता है, और इसके साथ ही साथ एक लेखक लिखता है गानों को। तो हम दर्शकों से भी कहना चाहते हैं कि ऐसे गानों को कम से कम सुने, ताकि ऑलरेडी लेखक लिखना बंद कर दें, गायक गाना बंद कर दें, और म्यूजिक डायरेक्टर कंपोज करना बंद कर दें। किसी भी सिंगर के लाइफ में म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर का अहम रोल होता है, स्टूडियो का अहम रोल होता है। आपके जीवन में मैं ये अनुभव जानना चाहूँगा। देखिए, सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का होता है तो मेरे नज़रिए से जो जिस चीज़ों की शुरुआत की जाती है, मेरे नज़रिए से वो राइटर होता है जी। वो लिख के देता है तो म्यूज़िक बनना स्टार्ट होती है ना जी। तो ऐसा लिख के नहीं देगा तो म्यूज़िक वैसा कंपोज नहीं होगी और ऐसा सिंगर गाएगा नहीं। तो कहीं ना कहीं इसमें राइटर ही दोषी हैं, और मैं दोषी नहीं बोल सकता किसी को, क्षमा चाहता हूँ, मैं दोषी नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि आप ऐसा लिख के मत दीजिए बस, जिसकी मीनिंग गलत हो जी। अनुपम जी, चलिए, बहुत ही अच्छी बातें आपने की, और कहीं ना कहीं बड़े से बड़े कलाकार के लिए भी ये सीख का काम कर सकती है। बिल्कुल। और सोच बड़ी होती है कलाकारों का स्तर, कलाकारी बड़ी होती है, लेकिन कुछ भी जो सही नहीं हो रहा है उसको गलत बोलना भी एक अच्छे कलाकार का परम कर्तव्य होता है। और आई थिंक कि हमारे चैनल के माध्यम से भी आपने वही चीज़ की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, अनुपम, अनूप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए, भोजपुरिया समाज तक पहुंचाने के लिए, हिंदी समाज तक पहुंचाने के लिए। और मैं यही चाहूँगा कि मैं आपके साथ फिर बैठूँ और आप शायद मुझे इस तरीके के सवालात ना करें मुझसे कि भोजपुरी में गंदगी है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग मेरा ये इंटरव्यू देखेंगे, जो मेरा ये वीडियो देखेंगे, उन सब से नमस्कार। नमस्कार, आपको भी नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और हम उम्मीद करते हैं कि जब अगली बार हमारा इंटरव्यू आपके साथ होगा तो आप किसी न किसी भोजपुरी या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कोई मूवी में बड़े पर्दे पर होंगे और तब हम आपका इंटरव्यू जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपके मुंह में घी शक्कर और भोलेनाथ की बजरंगबली की कृपा हुई तो मैं जरूर एक दिन बैठूंगा आपके सामने। जी बिल्कुल, उस दिन का इंतजार हमें भी काफ़ी व्यापक तौर पर है। और ये थे हमारे साथ राहुल दुबे जी, एक बेहतरीन कलाकार, स्टेज आर्टिस्ट, जो स्टेज के माध्यम से दर्शकों के दिलों में राज करते हैं। ऐसे राहुल दुबे जी सिगरौली की धरती से हैं और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में आप बड़े पर्दे पर इनका बड़ा हुनर देख सकते हैं। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।